दिनों उत्तराखंड में मानसून सक्रिय है। जहां एक तरफ बादल फटने से पहाड़ दरक रहे हैं, वहीं मैदानों में भी बरसात का पानी तबाही मचा रहा है। मैदानों में जलभराव से लोग परेशान हैं। देहरादून के भगत सिंह कॉलोनी, मोहिनी रोड और जौनसार बावर क्षेत्र में बस्तियों और घरों में पानी जा रहा है। तो मैम, पूरे जौनसार बावर की बात कर रही हूँ मैं। हर जगह नुकसान हो रहा है, बगीचे दब रहे हैं लोगों के, सेब के बगीचे है, क्यारियां दब रही है और जितनी भी लोगों की फसल है सब दब रही है। बहुत नुकसान हो रहा है। और अभी चक्राता की बात कर ले, शैया की बात कर ले, तिउनी की बात, लाखा मंडल क्षेत्र की बात, पूरे बोंद और खत में भी काफी नुकसान हुआ है मैम। तो पहाड़ी क्षेत्र है, काफी नुकसान का जो वो है भुगतना पड़ रहा है हमें। रास्ते तो कल हम किस हालत में यहाँ पहुंचे, 5 जगह जेसीबियां लगी हुई थी, बिल्कुल जान हथेली पे लेके चलते हैं मैम। जी बहुत मलबा। तो हमारी सरकार से भी ये विनती है कि इन किसानों के ऊपर अपना जो है देखें कि इनको अधिक से अधिक मुआवजा मिला जाए। रात को तो लोगों के मतलब बिस्तरों में पानी भर गया, उनके मोबाइल बिक गए, उनके राशन पानी सब बिक गया मैम। मतलब इतने गरीब लोग हैं कि आज घर से बेघर हो रखे हैं। बरसात ने इतना जोर पकड़ रखा है कि हर जगह जगह पर पानी इकट्ठा हो रहा है, बह रहा है। अभी मैं गांधी रोड पे खड़ा था तो गांधी रोड पर दुकानदारों के दुकानों में पानी पूरा 4-4, 5-5 फुट भर गया था। उस समय मैंने देखा तो मैंने जो है उस पानी के बारे में उनसे बोला, दुकानदारों से, कि मैंने कहा आप एक एप्लीकेशन लिख के दो मुझे, मैं इसके बारे में डीएम मैडम से बात करूंगा। डीएम मैडम से मैंने एप्लीकेशन दे दी है कि पानी जो इतना भर रहा है, भगत सिंह कॉलोनी, संजय मार्ग, डालन वाला, प्रिंस चौक, आपका इधर चवरोता रोड, बिंदाल पुल, सब नाले भरे हुए। पानी हमेशा दुकानों के अंदर गुजरा था, क्योंकि नालियों की सफाई करवाई है अभी हम लोगों ने, उससे जो है थोड़ा फर्क पड़ा है, लेकिन नालियां फिर भी चौक हो जाती हैं। नालियां चौक होने के बाद एकदम पानी फिर अंदर आने लगेगा, क्योंकि अभी जो है बरसात के बहुत दिन है, बरसात अभी 1.5-2 महीना हो रहा है। इस तरीके से अगर हम नालियों की सफाई कराते रहेंगे पानी नहीं आएगा, लेकिन ये परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। परमानेंट सोल्यूशन कोई सरकार निकाले, जैसे कि हम दुकानदारों के दुकानों में पानी ना आए, नुकसान ना हो। इसमें तो दुकानदारों का लाखों रुपए का नुकसान हो जाता है, कि जब पानी घुस जाता है तो सारे कपड़े गीले हो जाते हैं, जूते की दुकान में पानी घुसेगा तो सारे जूते हो जाएंगे। तो उस दिन 4-4, 5-5 फुट पानी ऊपर हो गया था और उनके सारा फर्नीचर भी खराब हो गया, क्योंकि जब पानी अंदर घुस गया तो सारा उनका खाना भी खराब हो गया, क्योंकि खाने के अंदर भी जो है पानी की बूंदें आने लगी। लोकल 18 के लिए देहरादून से हिना आजमी की रिपोर्ट।